ओके सो हेलो इस आ, वीडियो में इस लाइव सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं एक फ़ाइनल रिवीजन के फॉर्म में सारे क्वेश्चंस जो आ, सारे सारे चैप्टर्स हैं मतलब कोई भी चैप्टर वाइज नहीं है ये एक मिक्स्ड है अब इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें ओसवाल डॉट आयो पर भी मिल जाएंगे जो मैंने अपनी वीडियोस में भी बहुत बार बताया है एंड यहाँ पे तो मैंने बहुत हाइब्रिड uh, फॉर्मेट में क्वेश्चन उठाए हैं सारे इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट उठाए हैं बट ओसल आयो पे आपको जिस भी चैप्टर का चाहिए स्पेसिफ़िक कस्टमाइज एक क्वेश्चन पेपर बन के आ जाएगा जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे फीडबैक्स भी मिल जाएंगे तुम्हारी मिस्टेक्स क्या हैं तुम्हारे uh, ड्रॉबैक्स क्या कर रहे हो तुम गलती क्या कर रहे हो तो तुम उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को भी पेस कर सकते हो एंड इवन इफ अगर तुम दिन में फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स भी ओस डॉट आई ओ पे दो तो तुम्हारा काफ़ी हद तक एम सी क्यू वाला पोर्शन तो कवर हो ही जाएगा क्योंकि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही फोर्टी परसेंट है सो so, हम लोग बिगिन करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट मतलब पी बी एन ओ टू एंड पी बी एन ओ थ्री एंड पोटेशियम आयोडाइड मतलब के आई पोटाशियम आयोडाइड मतलब के आई एंड पी बी एन ओ समझो आप ठीक है एनओ थ्री अब यहाँ पे इनके बीच का जो रिएक्शन है एक्विस सोल्यूशन में मान रहे हैं सबसे पहले तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी अलग अलग टाइप्स होती हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जब एक आ, एक कंपाउंड ब्रेक हो जाता है अलग अलग चीज़ों में कॉम्बिनेशन होता है जब दो मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है जब एक हायर रिएक्टिव एक लीस्ट रिएक्टिव को क्या करता है उसकी जगह से उसको हटा देता है ऐसे ही बहुत अलग अलग रिएक्शंस होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है न्यूट्रलाइजेशन भी होता है जब क्या होता है कि एक एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड ठीक है रिएक्शन है बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट तो पी और अगर हम रिएक्शन में लिख के दिखाती हूँ क्या हुआ? नेक्स्ट हमारे पास आता है पी नेक्स्ट uh, हमारे पास आता है कि द पी एच वैल्यू पी एच वैल्यू मतलब द पावर ऑफ हाइड्रोजन उसकी जो हमारी पी एच स्केल होती है एक ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या है टू है पी एच वैल्यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड की टू है रेडिश शेड में आ रहा है ये और इसका जो पी एच है जब हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं डाइल्यूट कर रहे हैं तो जब हम इसमें वाटर डाल के तो इसका हमें बताना पी एच वैल्यू क्या होगी जब हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया ठीक है सबसे पहले फोर्टीन तक तुम तो जीरो वन से लेके समझो फोर्टीन तक जाती है जिसमें सेवन पे ये होता है न्यूट्रल सेवन पे ये होता है न्यूट्रल विच मीन्स की सेवन के इस साइड सारे होते हैं बेसिस क्या होते हैं बेसिस अब जैसे जैसे हम सेवन से दूर जाते जाते हैं जैसे वन की तरफ़ जाते हैं टू की तरफ़ जाते हैं तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है क्या हो जाती है एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो जाते हैं और जब सेवन से हम इस साइड दूर जाते हैं तो फिर क्या होता है उनकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है उनकी क्या इंक्रीज़ हो जाती है बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है तो जैसे थर्टीन हो गया ट्वेल्व फ़ोटीन हो गया ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं एल्कल होते हैं ठीक है थीके? एक तरीके से तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वैल्यू है टू मतलब ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड है अब सेवन पे तो चीज़ न्यूट्रल हो जाती है है ना सेवन पे चीज़ न्यूट्रल हो जाती है टू से लेके तुम समझो सेवन तक ये एसिड की ही रेंज है पूरी यहाँ पे हमने पानी ऐड किया है ना यहाँ पे हमने उस सॉल्यूशन उस उस सैंपल में हमने पानी ऐड किया बट ऐसा नहीं है कि उसमें हमने बहुत ज़्यादा पानी ऐड करके उसके पूरे उसका पूरा एसिड acid, एसिडिटी जो थी उसकी जो पूरी कॉम्पोजिशन थी एसिड होने की वो हटा दी हमने सिर्फ उसको डाइल्यूट किया तो अब पी क्या होगा पी होगा लेस देन टू बट मोर देन ज़ीरो लेस देन टू बट मोर देन ज़ीरो तो वन ही होता है वन तब होगा जब हम उसको बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड बना के एक स्ट्रांगर एसिड बनाएंगे तो ये तो हमने किया नहीं क्योंकि कि हमने पानी डाल के उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी वहीं पे मोर देन टू बट लेस देन सेवन हमारा एक पोटेंशियल आंसर है क्योंकि हमने उसकी एसिडिटी जो थी उसकी जो स्ट्रेंथ थी उसके जो हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रेंथ थी हमने वो डिक्रीज कर दी कहीं ना कहीं हमने उसको क्या करवा दिया डाइल्यूट करवा दिया बट वो कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं हुई अभी क्योंकि उसमें अभी भी कहीं ना कहीं एसिड की प्रॉपर्टीज थी तो ये हमारा एक पोटेंशियल में चेंज नहीं हो ये भी पॉसिबल नहीं है तो अगेन इसका करेक्ट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है तुम्हारे पास इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है आई होप इतना क्लियर है फिर हमारे पास आता है कि प्रिडिक्ट नेचर ऑफ द एलिमेंट मतलब एक हमारे पास एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हमें दी गई है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दी गई है तीन एलिमेंट्स की हमारे पास एक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है टू कॉमा एट एक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है मेरे पास टू कॉमा एट वाई की मेरे पास है टू एट सेवन ठीक है वाई की मेरे पास है टू एट सेवन एंड जेड की है टू एट एंड टू ठीक है अब यहाँ पे ना हमें उसका नेचर बताना है कि मेटल होगा नॉन मेटल होगा क्या आंसर मतलब क्या ऑप्शन सबसे करेक्ट बैठ रहा है हमारे पास अगर हम एक्स को देखें सबसे पहले तो एक्स में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक है हमारा ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ एक है हमारा ड्यूप्लेक्ट रूल फॉलो हुआ मतलब x में टू शेल मतलब हमारा फर्स्ट वाला शेल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो टू से कंप्लीट है सेकंड शेल में एट इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो वो भी कंप्लीट है तो ये तो क्या है एक ये इनर्ट गैस हो गई हमारी है ना ये तो ऑलरेडी हमारा स्टेबल हो गया अगर आप गैस कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड ये हमारा नियॉन है ठीक है ये हमारा क्या है नियॉन है वहीं पे अगर हम y को देखें तो टू एट सेवन यहाँ पे इसके लास्ट शेल में हमें दिख रहा है कि ये इनकम्प्लीट है लास्ट शेल में हमें ये दिख रहा है कि ये क्या है इनकम्प्लीट है लास्ट शेल में हमें दिख रहा है इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे ये क्या है टू एट सेवन है मतलब इसको लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की नीड है अभी स्टेबल होने के लिए अभी ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि साथ के साथ लूज़ करेगा ऑफकोर्स ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी चार्ज क्या हो जाएगी वाई इसकी चार्ज क्या हो जाएगी y नेगेटिव वन क्योंकि एक क्या है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसने गेन कर लिया प्रोटॉन सेवेंटीन ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन इसके पास गेन करके एटीन हो जाएंगे क्योंकि इसको स्टेबिलिटी चाहिए थी ठीक है अगर तुम गैस कर पा रहे हो अभी भी देन दिस इज क्लोरीन दिस इज क्लोरीन सेवेंटीन पर हमारा क्लोरीन आता है एंड फिर है हमारे पास जेड तो जेड है टू एट टू तो यहाँ पे इसके लास्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं इसको स्टेबिलिटी चाहिए या तो ये दो हटा देगा या छः गेन करेगा अब अफकोर्स ये दो हटाने का ऑप्शन चूज़ करेगा तो ये दो हटा देगा तो इसकी पावर हो जाएगी Z टू पॉजिटिव अगर तुम लोगों ने ट्रिक्स देखी हैं जो मैंने शॉर्ट्स पे बताई हैं जो मैंने वीडियोस में बताई हैं पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ में भी एक बार डिस्कस करी है देन यू विल डेफिनेटली नो कि ये क्या है मैग्नीशियम है ये क्या है मैग्नीशियम है ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ हमें ये क्लियरली देखने को मिल रहा है Mg2 जी पॉजिटिव एक मेटल होगा क्योंकि इसमें क्या है ऊपर पॉजिटिव का साइन है नेगेटिव है तो ये क्या होगा ये नॉन मेटल होगा ये क्या होगा ये नॉन मेटल होगा तो अब ऑप्शन में हमारे पास है एक्स इज़ अ मेटल तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि एक्स तो हमारा इनर्ट था वाई इज़ अ मेटल वाई हमारा नॉन मेटल है ये हमने डिस्कस किया तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है जेड इज़ अ नॉन मेटल तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है क्योंकि जेड तो हमारा क्या आया मेटल आया बट लास्ट ऑप्शन बोलता है कि वाई इज़ अ नॉन मेटल वाई इज़ अ नॉन मेटल ये हमारा बिल्कुल सही आया था यहाँ पे ये मैंने चीज़ बताई थी कि ये क्या है हमारा एक है ना ये नॉन मेटल है ये चीज़ मैंने अभी बताई थी आपको यहाँ पे कि ये क्या है हमारा नॉन मेटल है है ना और Z इज अ मेटल तो ये हमारा क्या है एकदम करेक्ट ऑप्शन है ये क्या है हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है ठीक है क्लियर कोई डाउट हाँ आप ओसवाल डट आयो की वेबसाइट पर जाके बिल्कुल टेस्ट दे सकते हो आप सब कस्टमाइज़ कर सकते हो आप पेज नंबर कस्टमाइज़ कर सकते हो आपने सिर्फ एक थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा है आप उसका भी टेस्ट दे सकते हो तो एक बार प्लेटफॉर्म विजिट करो तुम लोग को ज़रूर से हेल्पफुल लगेगा सिर्फ पंद्रह मिनट रोज़ के भी परफेक्ट एक कोई भी टॉपिक के तो हो जाएगा तुम्हारा बहुत अच्छा रिविज़न हो जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स आर जॉइंट इन अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल ये एक हेक्सागोनल स्फेरिकल टाइप का मॉलिक्यूल होता है ऑफ बक मिनिस्टर फुलरीन तो यहाँ पे इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाके सिर्फ सिक्सटी समझ लो कि इसमें सिक्सटी मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट विल बी बेटर क्योंकि इसका पूरा डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना मेरे लिए भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन डैश सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म ठीक है कम, हम इसको एक कंसिडर कर सकते हैं पॉइंट साइटोप्लाज्म को हम एक पॉइंट कंसिडर ज़रूर से कर सकते हैं बट साइटोप्लाज्म में क्या होगा कि बहुत सारी अलग चीज़ें भी आ जाएंगी जैसे हमारे लाइजोजोम्स भी आ जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया भी, भी उसी में आ जाएगा न्यूक्लियस भी उसी में आ जाएगा तो ये एक बहुत ना वेग आंसर हो जाएगा मतलब स्पेसिफिक नहीं होगा तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पॉसिबल आंसर है क्योंकि हमें क्या चाहिए एनर्जी ही चाहिए हमें ए के फॉर्म में एनर्जी ही मिल रही है तो ये एक हमारा आंसर हो सकता है क्लोरोप्लास्ट तो केस ही नहीं है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का तो कोई रोल ही नहीं होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात हो रही है जेनरिक बात हो रही है एनिमल्स भी इंक्लूड हो सकते हैं अब न्यूक्लियस में भी क्या है कि न्यूक्लियस में बहुत सारी चीज़ें और आ जाएंगी वहाँ पे अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो पूरा ब्रेन है एक सेल का उसमें ये चीज़ नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये अगेन स्पेसिफिक नहीं होगा बट माइट्रोक्वान्ड्रियम में अगेन हमारी एनर्जी होती है एनर्जी भी होती है इन द फॉर्म ऑफ ए तो हमारा सबसे करेक्ट आंसर वही है कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है कोई भी डाउट है मेरे को बॉक्स में ज़रूर से बताओ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस तो ट्राइपसिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लिपिस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट नॉट पॉसिबल ये नहीं है हमारा आंसर ट्रिप्सिन डाइजेस्ट एमल्सिफाइड फैट्स लेपिस डाइजेस्ट प्रोटीन तो ये थोड़ा मेरे को उल्टा पुल्टा दिख रहा है ये मेरे को चीज़ ना वाइसा वर्सा लग रही है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कि फैट्स है दोनों में ही है ना ट्रिप्सिन एंड लिपिड्स लिपे डाइजेस्ट फैट्स तो ये भी चीज़ मेरे को क्या लग रही है सही नहीं लग रही है बट जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है कि ट्रिप्सिन क्या कर रहा है प्रोटीन्स कर रहा है एंड जो लिपर्स है वो हमारा डाइजेस्ट कर रहा है फैट्स तो यही मेरा सबसे एक्यूरेट आंसर है सो so, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नेक्स्ट है कि व्हाट कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेक्टली फिट्स इन द गैप ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर तो एक स्टिमुलस आया स्टिमुलस को रिसेप्टर्स ने क्या किया एक तरीके से रिसीव किया सेंसरी न्यूरॉन्स ने काम किया सेंसरी न्यूरॉन्स उसको कहाँ पे ले जाएंगे उसको ऑफ़ कोर्स स्पाइनल कॉर्ड पे ले जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्डर आएगा मोटर न्यूरॉन्स को कि ये ये करो वो इफेक्टर मसल तक ले जाएंगे फिर इफेक्टर हमारा मसल काम करेगा इन एक तरीके से फिर रिस्पॉन्स जनरेट होगा सो इसका करेक्ट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इज य करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम द लाइट क्वेश्चन में ही तुम क्लैरिटी लो कि यहां पे अवे हो रहा है तो ये हमारा एक नेगेटिव बात हो रही है ठीक है ऑप्शन में तुम्हारे पास ऑप्शंस में जो भी पॉजिटिव है ना वो ऑप्शन को पहले स्ट्राइक आउट कर दो क्योंकि ये नेगेटिव है अवे फ्रॉम लाइट है अब लाइट की बात हो रही है तो लाइट में फोटोट्रॉपिज्म हमने पढ़ा था हमने बार बार पढ़ी है ये चीज कि लाइट में फोटोट्रॉपिज्म होगा हाइड्रोट्रॉपिज्म तब होगा जब यहाँ पे बात हो जाएगी वाटर की है ना हाइड्रो बोलते हैं वाटर को तो इसका आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि ये पहली बात तो जा रहा है अवे विच मीन्स नेगेटिव फ्रॉम द लाइट तो ये फोटोट्रॉपिज्म की एक प्रॉपर्टी शो करेगा ठीक है अब द एबिलिटी टू सेल एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इन सेवरल सेल्स सेवरल सेल्स तुम इतना पढ़ो सेवरल और यहाँ पे ऑप्शंस में एक, नजर घुमा के देखो मल्टीपल लिखा है सेवरल एंड मल्टीपल मतलब बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हुआ यहाँ पे क्या हुआ मल्टीपल फिजन हमें देखने को मिला तो प्लाज्मोडियम का वो भी है एक एग्जाम्पल ही होता है तो यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना ऐसे क्वेश्चन पे सीधा ऑप्शन नंबर सी पे टिक करके बिल्कुल आगे ही जलते जाना है बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन में नॉट मोर देन थर्टी सेकेंड्स देना है ठीक है एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जेन्युआ पिक हैविंग ब्लैक कलर वेन क्रॉसड विथ जेन्योआ पिक हैविंग द सेम कलर प्रोड्यूसड एटी ऑफ स्प्रिंग ठीक है एटी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए जिसमें से सिक्सटी ब्लैक थे एंड ट्वेंटी वाइट थे कितने ब्लैक थे सिक्सटी ब्लैक थे एंड ट्वेंटी वाइट थे अब यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा यहाँ पे हमें पता ना है कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा करेक्ट जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा अब बी बी तब होता जब ये पूरा डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा डोमिनेंट कैरेक्टर शो हुआ डोमिनेंट भी हुआ रिसेसिव भी हुआ है ना डोमिनेंट कैरेक्टर भी शो हुआ एंड हमारा रिसेसिव कैरेक्टर भी शो हुआ अगर हम ऐसे चार्ट बनाए हमारा इसका बी 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 तो ये पूरा ही कैपिटल कैपिटल जाता विच इज़ इनकरेक्ट है ना ये पूरा ही डोमिनेंट जाता विच इज़ इनकरेक्ट तो ये चीज़ हमारा एक पोटेंशियल आंसर नहीं हो सकता ये हमारा एक पोटेंशियल आंसर नहीं हो सकता अगर हम कैपिटल बी कैपिटल बी और स्मॉल बी देखें तो अगेन ये पूरी चीज़ क्या हो गई ये अगेन डोमिनेंट हो गई तो ये भी एक हमारा आंसर नहीं है बट इधर अगर मैं देखूँ तो ये कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी है तो इसका मेरे पास रेशो वही आया जो होता है एक आइडियल जो होता है एक आइडियल जीनोटिपिक रेशियो दैट इज़ वन इज़ टू टू इज़ टू वन सो ये मेरा सबसे करेक्ट आंसर है विच इज़ ऑप्शन नंबर सी विच इज़ ऑप्शन नंबर सी ठीक है क्लियर हो गई यहाँ पे तो हमारा इतने ही मैं क्वेश्चंस लाई थी आज आपके लिए बट सही में भी अगर ऐसे मिक्स टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो मैंने पहले भी बताया है कि यू कैन विजिट आर वेबसाइट ओ सवाल डॉट आई ओ तुम्हें सब कस्टमाइज मिल जाएगा सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिस भी चैप्टर के चाहिए जिस भी टॉपिक से चाहिए करेक्टली मिल जाएगा सो डेफिनेटली विजिट करना बाकी ये लाइफ तो अभी इतनी थी अगर तुम्हें ऐसे और सेशन्स चाहिए ऐसे और डाउट्स चाहिए कोई भी डाउट्स अगर अभी भी हैं मेरे को कमेंट्स में या चैट बॉक्स पे बताओ मैं डेफिनेटली मेंशन करूंगी उनको भी चलो ओके सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास बाय